नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप टैली प्राइम के अंदर किस तरह से मल्टी करेंसी का यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा अल्ट्रा वाले ऑप्शन पे। अल्ट्रा में जाने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा करेंसी का, आपको इस करेंसी वाले ऑप्शन पे आना है और एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक करेंसी शो हो रही है इंडियन रुपीज की, तो हम यहाँ पर एक करेंसी और ऐड कर लेते हैं। इसके लिए हम जाते हैं क्रिएट वाले ऑप्शन पे। क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है। क्रिएट न्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसमें आपको सिंबल देना है जिस भी करेंसी का आप सिंबल ऐड करना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमने ऐड कर दिया यहाँ पे डॉलर, और यहाँ पर इसका फॉर्मल नेम जो है हम वो टाइप कर देते हैं, जैसे हमने लिख दिया यूएस डॉलर, और उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, यहाँ पर लिखा हुआ है 2। इसका मतलब ये है कि जो भी डॉलर की वैल्यू आएगी उसकी जो डेसिमल वैल्यू होगी वो 2 होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम 2 ही रखेंगे। यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर एक और ऑप्शन है शो अमाउंट इन मिलियन। अगर आप अपनी इस वैल्यू को, यानी जो भी आप डॉलर की वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट कराएंगे उसको मिलियन में शो कराना चाहते हैं, तो अब यहाँ पर इसको यस करा सकते हैं। हम फिलहाल इसको नो रहने देंगे। आप देखेंगे यहाँ पर एक और ऑप्शन है सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, यानी आप चाहते हैं कि आपका ये जो डॉलर का सिंबल है वो आपके अमाउंट के साथ रिप्रेजेंट ना हो, तो यहाँ पर आप इसे यस रखेंगे। हम इसको चाहते हैं कि हमारा ये जो डॉलर का सिंबल है वो हमारे अमाउंट के साथ शो हो, तो हम इसको नो ही रखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक और ऑप्शन है एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, यानी अमाउंट और सिंबल के बीच में अगर आप स्पेस चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसे यस कराएंगे, हम इसको भी नो रहने देंगे। यहाँ पर आपके सामने एक और ऑप्शन आ गया वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, यानी डेसिमल के बाद की जो वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको वो टाइप करना होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेंट्स, और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स, यानी जो भी आपका डेसिमल प्लेस होगा उसमें जो भी अमाउंट आएगा उसके कितने वर्ड्स होंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया 2 वर्ड्स, और यहाँ पर हम इसको एंटर करके सेव करा देंगे। सेव करने के बाद स्कैप करके आप पीछे आ जाइए। पीछे आने के बाद हमारी करेंसी क्रिएट हो चुकी है, स्कैप करके एक बार और पीछे आ जाइए। जैसे ही आप करेंसी क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा रेट ऑफ एक्सचेंज का, आप इसे क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो स्टैंडर्ड रेट है वो कितना है, हम दिखा देते हैं आपको। मान लीजिए इसका स्टैंडर्ड रेट $75 है, और इसका सेलिंग रेट है $80, और इसकी बाइंग रेट है $70, तो हम उस हिसाब से इसको सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर वापस चले जाते हैं अपनी टेलीस्क्रीन पर, और यहाँ पर जाने के बाद हम इसको रख लेते हैं $75, और इसका जो सेलिंग रेट था वो था $80, और इसका जो बाइंग रेट था वो था हमारा $70, और उसके बाद हम इसको सेट करने के बाद इसको एंटर करके सेव कर देते हैं। हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट हो चुका है, स्कैप करके हम पीछे आ जाते हैं, और अब मैं आपको एक एंट्री पास करके दिखाता हूँ ताकि आपको इस डॉलर का यूज समझ में आ जाए। इसके लिए आप देखेंगे हमने यहाँ पर कुछ लेजर्स बनाने होंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर कुछ आइटम्स को परचेज करेंगे जिसके ऊपर जीएसटी रेट के साथ हम इसको परचेज करेंगे। यहाँ पर देखेंगे हमारे पास एक क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2021 को हमने 100 मोबाइल फोन सेल किए हैं सैमसंग J7 के, जिसका बिल नंबर आपका XL1 है, और जिसके ऊपर 18% का जीएसटी रेट है, और हमने सेल किसको किया है, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक को। और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसी अमाउंट को रिसीव करेंगे जो कि हमारा डॉलर्स के अंदर यहाँ पर शो कर रहा है 4720 रुपीज़, और यहाँ पर आप देखेंगे बैंक चार्जेस जो काट रहा है हमारा वो 200 रुपीज़ बैंक चार्जेस काट ले रहा है। तो इसके लिए आप हमें सबसे पहले कुछ लेजर्स क्रिएट करने होंगे, और इन लेजर्स को मैं आपको बताऊंगा डायरेक्टली आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए चले जाते हैं हम लोग टेलीस्क्रीन पर, यहाँ से चले जाएंगे वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पर हम लेंगे F8, यानी हम पहले सेल कर लेते हैं। तो सेल हम किसको कर रहे हैं, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक को सेल कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ऑल्ट सी करना होगा, ऑल्ट सी करने के बाद यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए इंडिया इलेक्ट्रॉनिक, और इसके बाद हम इसको अंडर ऑफ डाल देंगे संडे डेबिटर के, और यहाँ पर आपको एंटर करके सेव कर देना है। अगर वो हमारा रेगुलर कस्टमर है तो उसे रेगुलर में रखेंगे, यहाँ पर अगर आपके पास उसका जीएसटी नंबर है तो आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको सेव कर दे रहे हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर भी हम इसको एंटर करके सेव कर देंगे, यहाँ पर भी आपको एंटर करके सेव कर देना है। यहाँ पर आपको एक लेजर और क्रिएट करना है सेल्स का, तो हम यहाँ पर अंडर ऑफ डाल देते हैं सेल्स अकाउंट के, और यहाँ पर आपको एंटर करके, यहाँ पर सर्विस की जगह आपको गुड्स रख लेना है, और यहाँ पर एंटर करके आपको इसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप देखेंगे अब हमारे पास यहाँ पर आइटम और आइटम की क्वांटिटी मांग रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पर ऑल्ट सी फिर से करेंगे, और हमारा जो आइटम था वो आइटम था हमारा J7,
यहाँ देखेंगे आप, हमारा आइटम है J7 मोबाइल फोन है, जो कि अंडर ऑफ स्टॉक ग्रुप हमारा आता है सैमसंग के। तो हम अपनी टैली में वापस चले जाते हैं, यहाँ पर J7 मोबाइल फोन ले लेते हैं और इसको अंडर ऑफ डाल देंगे हम लोग किसके, सैमसंग के। यहाँ पर अंडर ऑफ आने के बाद यहाँ पर आपको प्रेस करना होगा ऑल्ट सी, प्रेस करने के बाद यहाँ पर टाइप कर दीजिए सैमसंग, और इसके बाद यहाँ पर एंटर करके आप एक ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल का, आपको इसको यस करा के एप्लीकेबल कराना होगा। और यहाँ से आपको आना होगा टैक्सेबल के अंदर और जितना भी जीएसटी रेट था वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। तो मान लीजिए 18% का हमारा जीएसटी रेट था, हम इसको फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद हम इसको एंटर करके सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आपको यूनिट्स ले लेना होगा, इसके लिए भी आपको यहाँ पर ऑल्ट सी प्रेस करना है और यहाँ पर आप लिख दीजिए NOS नंबर्स और यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म लिख दीजिए और यहाँ पर आप N दबाइए और यहाँ नंबर्स आ गया आपका, इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी, सिंपल एंटर करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपकी जितनी भी क्वांटिटी थी वो क्वांटिटी यहाँ पे टाइप कर लीजिए। तो हमारी जो क्वांटिटी थी वो 100 पीसेस थी, तो यहाँ पर हम 100 पीस टाइप कर लेते हैं। इसके बाद इसका जो पर पीस रेट था वो था $40, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं $40 का सिंबल लगा दीजिए इसके साथ और एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपका टोटल अमाउंट डॉलर्स के अंदर यहाँ पर शो अप हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर एंटर प्रेस करिए, यहाँ पर आप देखेंगे आपका रेट ऑफ एक्सचेंज भी यहाँ पर शो हो गया, तो यहाँ पर भी आपको इसको एंटर करके सेव कर देना है और इसके बाद एक बार और एंटर कर दीजिए। यहाँ पर आने के बाद आपको फिर से ऑल्ट सी प्रेस करना है और यहाँ पर अपना टैक्सेशन तैयार करना है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं CGST और इसे अंडर ऑफ डाल देते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस के। ड्यूटीज एंड टैक्सेस लेने के बाद यहाँ पर आप GST सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर CGST है तो इसे सेंट्रल टैक्स के अंदर डाल देंगे और इसे एंटर करके सेव करा देंगे। आप देखेंगे आपका यहाँ टैक्सेशन शो हो गया। फिर नीचे आइए, यहाँ पर इसका जो अमाउंट था रेट ऑफ एक्सचेंज वो भी आपके अमाउंट यहाँ पर शो हो गया। इसके बाद यहाँ पर ऑल्ट सी फिर से करिए और SGST का एक लेजर बना लीजिए और इसे भी आप डाल दीजिए अंडर ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पर GST ले लीजिए और इसे डाल दीजिए स्टेट टैक्स के अंदर और सिंपल एंटर करके आप इसे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद फिर से एंटर प्रेस करिए और एंटर प्रेस करने के बाद इस एंट्री को आप यहाँ पे प्रोवाइड GST ईवे बिल को नो रखते हुए पास करा दीजिए। यहाँ पर आपको न्यू रेफरेंस रखना है और यहाँ पर जो हमारा बिल इनवॉइस नंबर था वो था, यहाँ पर आप देखेंगे XL1 था वन और यहाँ पर इसे एंटर करके सेव करा देंगे। हम जो भी हमने सेल किया है उस आइटम का जो भी अमाउंट है हम वो अपनी पार्टी से रिसीव करेंगे। तो अमाउंट ये रहा हमारा जो हमें अपनी पार्टी से रिसीव करना है, तो इसके लिए आपको F6 प्रेस करना होगा अपने कीबोर्ड से। F6 प्रेस करने के बाद यहां पर आपको ध्यान रखना होगा, आपको एक बार F12 प्रेस करना है और F12 प्रेस करने के बाद आप यहां पर एक चीज का ध्यान रखेंगे। यहां पर आप देखेंगे प्री एलोकेट बिल फॉर पेमेंट रिसीव जर्नल वाउचर, इस वाले ऑप्शन को आपको यस करा के रखना है, ये आपका यस होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर आपका यूज डेबिट एंड क्रेडिट वाला ऑप्शन भी आपका यस होना चाहिए। इन दोनों ऑप्शंस को आपको यस करा के रखना है, हमने यहाँ पहले से ही इसे यस करा रखा है। अगर आपके सिस्टम में ये यस ना हो तो आप इसे यस जरूर करा लीजिएगा, हमने इसे पहले से ही यस करा रखा है। अब इसके बाद यहाँ पर हम प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से Ctrl+H चेंज मोड करेंगे और यहाँ पर हम यूज करेंगे डबल एंट्री। यूज करने के बाद जिस पार्टी से हमें अमाउंट रिसीव करना है हम उस पार्टी को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम अगेंस्ट रेफरेंस रखेंगे और जो हमारा रेफरेंस नंबर था हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। टोटल अमाउंट हमारे सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप देखेंगे हमारा जो टोटल अमाउंट था वो रुपीज़ के अंदर यहाँ पर शो हो गया। शो होने के बाद आप फिर से एंटर करके नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक लेजर और क्रिएट करना होगा, तो यहाँ पर आपको प्रेस करना है Alt+C और Alt+C प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको जो लेजर क्रिएट करना है वो लेजर क्रिएट करना है बैंक चार्जेस का और इसको हम डाल देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के, क्योंकि ये जो चार्जेस हमारा डिटेक्ट होगा वो हमारा एक तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। इसको हम Ctrl+A करके सिंपल सेव करा देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपका ये टोटल पूरा अमाउंट इसने ले लिया, तो हमारा जो एक्चुअल में डिटेक्शन अमाउंट था वो यहाँ पर आप देखेंगे $200 था, यानी $200 के हिसाब से, यानी बैंक ने जो हमारा चार्जेस डिटेक्ट किया है $4,720 में से, उसमें से $200 माइनस करना है हमें। तो ये कैलकुलेशन हम डायरेक्टली अपनी टैली स्क्रीन पर ही करेंगे। इसको आप किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए आप जाएंगे वापस टैली स्क्रीन पर और यहां पर आने के बाद आपको एक बार एंटर प्रेस करना होगा और यहां पर आपको सबसे पहले डॉलर का सिंबल यूज करना है और यहां पर आपको लिखना है 200। लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे और यहां पर लिखेंगे आप ₹80 per dollar, यानी डॉलर का सिंबल लगा देंगे / लगाने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपका जो टोटल अमाउंट था वो यहाँ पर शो हो गया 16,000 का। इसके बाद आप यहाँ एंटर प्रेस करेंगे।
एंटर प्रेस करने के बाद यहां पर वो अमाउंट टाइप कर देंगे, लाइक हमने टाइप कर दिया 16,000, और उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद वही अमाउंट फिर से हमें यहां पे डालना होगा, यानी डॉलर का सिंबल देने के बाद यहां पर आप लिखेंगे $200 डिटेक्ट हो रहा है हमारा, जो कि हमारा 80 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से डिटेक्ट होगा। यहां पर एंटर प्रेस करेंगे तो अमाउंट टोटल हमारा यहां शो हो जाएगा। इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहां पर हमें लेना है बैंक का नेम, तो यहां पर हम ऑल्ट सी करेंगे और यहां पर लेजर बनाएंगे SBI बैंक का, और इसको अंडर ऑफ डाल देंगे बैंक अकाउंट के। बैंक अकाउंट के अंदर डालने के बाद यहां पर आप अपनी फर्दर डिटेल्स पूरी फिल कर सकते हैं। हम अभी फिलहाल कुछ भी फिल नहीं कर रहे हैं, सिंपल कंट्रोल ए करके आप इसको सेव करा देंगे। सेव करने के बाद आप देखेंगे आपका जो टोटल अमाउंट था वो यहां पर शो हो गया, और अगर आप 16,000 को प्लस करते हैं और इसको इस अमाउंट को प्लस करते हैं तो टोटल अमाउंट जो आपका आएगा वो सेम देखिए इक्वल आ गया। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको सिंपल एंटर एंटर करके इसको सेव कर देना है। तो इस तरह से आप मल्टी करेंसी का यूज कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।